दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम प्लेन में बैठकर मूवी देखें तो हम रोने क्यों लग जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का क्या साइंस है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्लेन में मूवी देखते हुए रोने लग गए। दरअसल जब इसके पीछे एक फॉर्मर रिसर्च करी गई तो उसमें पता चला कि ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स की वजह से होता है। दरअसल जो लोग प्लेन में पहली बार जाते हैं वो अपने रिश्तेदारों से दूर होते हैं और उनके लिए वो इमोशनल मोमेंट होता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग प्लेन में इतनी ऊंचाई पर बैठने से भी डरते हैं और वो इसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। पैसेंजर पहले ही इमोशनली डेलिकेट स्टेट में होते हैं और जब प्लेन में कोई रोने वाली मूवी लग जाए तो उन्हें एक बहाना भी मिल जाता है रोने का। सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे हाई एल्टीट्यूड के फिजिकल इफेक्ट हमारे दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। दरअसल प्लेन के कैबिन में पहले ही नॉर्मल से भी कम एयर प्रेशर होता है, जिस वजह से दिमाग में ऑक्सीजन लेवल भी कम होती है और जो सीधा हमारे इमोशनल इफेक्ट से जुड़े होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल कम होने से हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने की शक्ति नहीं रहती। और इसी वजह से जब हम कुछ भी मूवीज प्लेन में देखने लगते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं।